नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं हूं सोनू कुमार पांडे। नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज जो काफ़ी दिनों से विवादों में चलता आ रहा है, उस पर सीएम ने उसका विस्तार करने पर सीएम ने इनकार कर दिया है। इसे हम सीधा इनसे जानेंगे कि क्या है उसका भविष्य और ये कैसे देखते हैं उनको। सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार। बड़ी खुशी की बात है, नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज लगभग 30 वर्षों से विवाद में रहा। ये आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में लगभग 245 गांव को विस्थापित करने का ये फील्ड फायरिंग रेंज के अभ्यास के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बना। इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान भी दिया। मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद करता हूं और इस अनिश्चितकालीन सत्याग्रह से हम टाना परिवार की ओर से भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल करने का कोशिश किया। और ये संभव इसलिए हो पाया कि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति को शासन प्रशासन और नियंत्रण करने की स्वतंत्रता नहीं है, जिसका परिणाम आज हेमंत सरकार भली भांति जानते हैं, जिस कारण से आज इनको इस क्षेत्र को यहाँ की जनताओं को आज़ाद करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कदम उठाया। 30 साल से आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, आज उन्होंने इनकार कर दिया इस पर विस्तार करने से, तो आप इस पर क्या उनको क्या बोलना चाहेंगे हेमंत सोरेन सरकार जी को? मैं धन्यवाद करता हूँ इसलिए कि 30 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद में यह काम लगभग हो पाने की संभावना उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब ये पूर्ण रूपेण इस तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि 30 वर्ष कम नहीं होते हैं और 30 वर्षों तक कितने लोगों की जानें चली गई है, ये इतिहास जब देखेंगे तो सारे लाइन बाय लाइन कितने लोगों की मृत्यु हुई ये सब देखेंगे, ये शहादत कितने लोग हुए, ये सारे चीज़ आपको क्लियर डाटा मिल जाएगा। अभी मेरे पास में इस डाटा नहीं है इसलिए मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी पहल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हेमंत सरकार से और एक पहल करने का उम्मीद करता हूँ कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको शासन प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर स्वायत्त शासन व्यवस्था के अंतर्गत संचालन होना है, इसलिए पुनः इनको सुरक्षित करते हुए एक और बड़ा कदम उठाने के लिए पहल करें। महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपील करें और ये यहाँ से ये राज्यपाल महोदय के माध्यम से, ये हेमंत सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ये आवाज़ जाए और पूर्ण रूपेण संविधान में जो प्रदत्त है 5वीं अनुसूची ये। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।